Assalamu alaikum everyone. Welcome to Womenia ATF with a new vlog and I hope you all are very good. I am also fine, alhamdulillah. पिछले काफ़ी दिनों से आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैंने 31 kg वेट कैसे और कितने टाइम में रिड्यूस किया, तो आज उन सब क्वेरीज़ को रिप्लाई करने के लिए जो मेरे वेट लॉस के दौरान मेरे लाइफस्टाइल जो रहा वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि हर इंसान का बॉडी टाइप डिफरेंट होता है। लाइक आप अगर अर्ली एजेस में हो, 20s में हो, तो आपका वेट जल्दी लूज़ होगा एज़ कम्पेयर टू 30s एंड 40s। सो कोशिश करें कि किसी डाइटिशियन की सुपरविजन में वेट लॉस करें। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आप कोशिश करें कि ऐसा वेट लॉस प्लान फॉलो करें जो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग हो और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने सबसे पहले न्यूट्रिशनिस्ट को हायर किया एंड थैंक्स टू खदीजा अमजद जिन्होंने मेरी बॉडी टाइप को अंडरस्टैंड करके बहुत ही ईजी टू डू प्लान्स शेयर किए। और हाँ, मेरा कमिटमेंट लेवल भी अल्हम्दुलिल्लाह अप टू द मार्क रहा। डिफरेंट मेथड्स हैं वेट लॉस के, बट जो मुझे सूट किया और जो मेरे लाइफस्टाइल को सूट करता था वो था इंटरमिटेंट फास्टिंग। सो आई पिक्ड दैट मेथड जिसमें 16 घंटे की फास्टिंग होती है। लाइक आप रात 8 बजे डिनर करोगे और उसके बाद सुबह अगले दिन सुबह 12 बजे आप नाश्ता करोगे। उस दौरान आप सिर्फ ग्रीन टी ले सकते हैं, लेमन वाटर ले सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी ले लें या फिर सिंपल प्लेन वाटर। इसके अलावा आप कुछ नहीं ले सकते। तो सुबह 12 बजे मेरा नाश्ता हो जाता है। वर्कआउट के बाद ऑल्टरनेट डेज़ पर मैं वर्कआउट करती हूँ और मैक्सिमम रात 8 बजे मेरा डिनर हो जाता है। डिनर आप रात 8 बजे तक कर लें, क्योंकि कोशिश करें कि सूरज ग्रूब होने तक आपका डिनर डन हो जाए, क्योंकि ये साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है कि जैसे जैसे सूरज ग्रूब होता है ना, तो डाइजेशन जो है हमारा प्रोसेस जो डाइजेशन का होता है वो स्लो होता जाता है। तो इसीलिए तो जैसे आजकल हमारे लाइफस्टाइल्स हो गए हैं, हम लेट रात तक जागते हैं और उसके बाद खाना पीना भी चल रहा होता है, तो हमें उसी तरह से हेल्थ इश्यूज़ भी रहना शुरू हो गए हैं। सो शाम 5 बजे फिर मेरा मिड स्नैक होता है जिसमें मैं कोई भी सीजनल फ्रूट ले लेती हूँ, भुने हुए चने ले लेती हूँ, दैट्स इट। अब जो मैंने मेन चीज़ पर अमल किया ना, वो दो चीज़ें थी। एक था पोर्शन कंट्रोल और एक था टाइम कंट्रोल। पोर्शन कंट्रोल मींस मैंने कुछ भी ऐसा स्किप नहीं किया। लाइक मैं पिज्ज़ा भी कभी कभी खा लेती थी, शवरमा भी खा लेती थी, कुछ ऐसा और भी खा लेती थी, लेकिन पोर्शन कंट्रोल के साथ। लाइक अगर मुझे एक रोटी की भूख है तो मैंने आधी खानी है। उसके बाद टाइम कंट्रोल का मतलब ये है, जो मैंने आपको पहले भी बताया, कि आपने रात 8 बजे तक अपना खाना खा लेना है, उसके बाद आपने मुंह को ताला लगा लेना है, सिर्फ पानी पीना है और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो ये आपका टाइम कंट्रोल है, यानी कि ये आपकी माइंड गेम ज़्यादा है, लेकिन इसमें आपको जो रिज़ल्ट मिलते हैं ना, वो टेरिफिक रिज़ल्ट मिलते हैं। तो जिन पॉइंट्स पर मैंने अमल किया वो मैं पॉइंट्स आपके साथ बारी बारी डिस्कस करती हूँ। नंबर 1 पॉइंट था, मैंने प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा कर दिया, यानी कि मैंने एग्स खाने शुरू कर दिए, चिकन ज़्यादा लेना शुरू कर दिया, फ़िश भी मैं सीज़न के अकॉर्डिंग विंटर में खाती थी और दालें मैं ले लेती थी। सीड्स जो हैं हमारे पम्पकिन, सनफ्लावर, फ्लैक्स सीड्स और ये आपके चिया सीड्स, ये मेरे जो है फूड में ऐड हो गए। और ड्राई फ्रूट्स स्पेशली मैंने दूसरे सीजनल फ्रूट्स भी और ड्राई फ्रूट्स भी ऐड किए। नंबर 2 पे मैंने क्या किया, लेस कार्ब्स कर दिए। लेस कार्ब मींस के जो ये रिफाइंड आटा है या मैदा है या वाइट चावल है, तो इन सब चीज़ों को मैंने स्किप कर दिया और उसकी जगह पर मैंने मल्टीग्रेन ब्रेड या ब्रैन ब्रेड या मल्टीग्रेन रोटी या ब्राउन राइस मैंने शुरू कर दिए। उसके बाद चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल ख़त्म कर दिया, उसकी जगह मैंने स्टीविया यूज़ करना शुरू कर दिया। दही मैं यूज़ करती थी बट ग्रीक योगर्ट यूज़ करती थी। अगर आप ग्रीक योगर्ट नहीं अफोर्ड करते तो आप ऐसे कर सकते हैं कि दूध जो है उसको 2 दफ़ा बॉयल करके उसकी जो मलाई आती है उतार के फिर उसको जाग लगा लें और वो दही आप यूज़ कर सकते हैं, और दूध भी जो आप यूज़ करें वो मलाई उतार के स्किम्ड मिल्क यूज़ करें। उसके बाद तीसरा पॉइंट है जी कि लो सॉल्ट इनटेक करें, यानी नमक आपके जो खाना है उसमें बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि आपको उससे प्यास लगती है और आपका वेट लॉस में प्रॉब्लम होती है। आपका वैसे भी बीपी जो है वो राइज करता है। नंबर 4 पॉइंट है जी, 2 to 3 liters वाटर आपने लाजमी इनटेक करना है डेली। आप कहीं भी जा रहे हैं, आपकी कोई चीज़ साथ ना हो, आपकी पानी की बोतल साथ होनी चाहिए। आपने पानी जो है 2 से 3 लीटर, बेशक जितनी मर्ज़ी ठंड है, आप यकीन करें कि मुझसे पानी पिया नहीं जाता होता था, लेकिन मैं सर्दियों में भी 2 से 3 लीटर पानी ख़त्म करके रहती थी। नंबर 5th पॉइंट है 7 to 8 hours की स्लीप, यानी कि नींद आपके वेट लॉस के लिए बहुत मस्ट है। आप जो भी हो,
7 to 8 hours पूरी नींद आप लें, उसमें आपका वेट लॉस बहुत अच्छा होगा। नंबर 6 पॉइंट है 10,000 स्टेप्स आप डेली के करें। उसके लिए आप ये कि आगे चलकर देखेंगे, आप सिंपली मैंने क्या किया हुआ था, फ़ोन पे एक ऐप इंस्टॉल कर लें स्टेप ट्रैकर एंड पेडोमीटर के नाम से, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम फ़ोन हमारे हाथ में ही होता है जब तक हम सोने नहीं जाते। तो फ़ोन में मैंने वो इंस्टॉल की हुई थी, तो मेरे स्टेप्स जो थे वो ऑटोमेटिकली काउंट होते जाते थे और मुझे पता चल जाता था, और मैं लाजमी 10,000 स्टेप्स रात तक पूरे करती थी, और उसमें हमारे वॉक के जो स्टेप्स होते थे वो भी इंक्लूड हो जाते थे। लाइक तकरीबन 4 to 5,000 तो मेरी 45 मिनट्स की डेली वॉक के ही हो जाते थे। उसके बाद आप अगर एक्टिव लाइफस्टाइल आपने अडॉप्ट किया हुआ तो आपके 10,000 स्टेप्स ईजीली हो जाते हैं, जो आपके वेट लॉस में बहुत हेल्प करते हैं। नंबर 8th पॉइंट है कि अल्टरनेट डेज़ पर आप वर्कआउट करें। उसके लिए जो था, मैं एट होम एक्सरसाइजेज माय बॉलीवुड बॉडी के नाम से है, आप यूट्यूब पे चेक करें तो सनी ट्रेनर हैं, कैनेडियन हैं, मतलब बेसिकली तो वो कैनेडियन नहीं है लेकिन कैनेडा में रहते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी सीरीज स्टार्ट की हुई है स्पेशली हाउसवाइफ्स के लिए, जो कि बाहर नहीं जा सकती, जिम नहीं कर सकती, बहुत ईजी एक्सरसाइजेज, मतलब करने में ईजी एक्सरसाइजेज नहीं होती स्टार्ट में। कहने का मतलब यह है कि कोई हैवी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है उसके लिए, सिर्फ 2 डंबल्स मैंने लिए हुए हैं और मैं उनकी सीरीज़ को फॉलो कर रही हूँ। 100 डेज़ की उनकी सीरीज़ है, जिसमें अब मैं 1.5-2 साल में तकरीबन मैं 71 डेज़ पर आ गई हूँ। यानी कि उनका एक दिन जो है वो मैं वीक में 4 टाइम्स उसको एक्सरसाइज करती हूँ ऑल्टरनेट डेज़ पर। तो अब मैं करते करते 71 डेज़ को फॉलो कर रही हूँ, तो मुझे उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। उसके बाद नंबर 9th पॉइंट है कि आप ग्रीन टी का इंटेक रखें सारे दिन में एक दफ़ा कभी भी, स्पेशली मैं तो रात सोते वक्त ग्रीन टी ले लेती हूँ। उसके बाद नंबर 10th पॉइंट है, आप ब्लैक कॉफ़ी लें वर्कआउट से पहले लाजमी, सिर्फ गर्मियों के दिनों में देख लें अगर आप एलर्जिक नहीं हैं तो, जैसे आजकल मैं नहीं ले रही, मुझे थोड़ी एक्ने हो जाती है, तो वैसे ब्लैक कॉफ़ी जो है वो वर्कआउट से पहले बहुत आपकी एनर्जी को बूस्ट करती है, और उसमें अगर आप एप्पल साइडर विनेगर भी डाल लें 1 टीस्पून तो फिर तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। नंबर 11 पॉइंट है कि एक चीट मील आप ज़रूर करें वंस अ वीक। यानी चीट मील का ये मतलब नहीं है कि आप सारा दिन ही कुछ ना कुछ ऐसा खाते रहें, चीट मील का मतलब है कि दोनों मील जो आपने दिन में लेने हैं सुबह का और रात का, उसमें से कोई एक, स्पेशली अगर आप ब्रेकफास्ट चीट मील कर लेते हैं तो वो बेस्ट है, लेकिन आप ये होता है कि कहीं बाहर जा रहे हैं तो ज़्यादा डिनर ही आपका चीट हो रहा होता है। तो नंबर 12th है जी डीटॉक्स ड्रिंक्स। मैंने बहुत सारे अपने चैनल पर आपके साथ शेयर किए हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं, शॉर्ट्स में भी मैंने डाले हुए हैं। तो आप स्पेशली जब चीट कर लेते हैं ना तो उसके बाद फिर आप डीटॉक्स ड्रिंक्स ज़रूर यूज़ करें। ये आपका मिंट डीटॉक्स हो गया, जिंजर डीटॉक्स हो गया, बहुत सारे मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं। आगे नंबर 13 है मॉर्निंग ड्रिंक्स। मॉर्निंग ड्रिंक भी जैसे सुबह अर्ली आप 10:30 तक आप मॉर्निंग ड्रिंक ले सकते हैं। लेमन वाटर तो मैं स्पेशली ले रही होती हूँ, जो कि विटामिन सी रिच होता है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, उसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो वो मॉर्निंग ड्रिंक्स भी मेरे बहुत सारे शेयर हुए हैं मेरे चैनल पर, आप वो चेक कर सकते हैं, तो वो भी आप लाजमी लें, फिर अपना डे स्टार्ट करें और अपने सिस्टम को क्लीन करें। ये मॉर्निंग ड्रिंक्स और डिटॉक्स ड्रिंक्स का बेसिकली फंक्शन यही होता है कि जो आपने खाया पिया उसको अच्छे से आप फ्लश आउट करें। तो लास्ट जो पॉइंट है वो है सप्लीमेंट्स का इनटेक। तो ये मैं अपने वेट लॉस के दौरान हर 3 माह बाद जो है सप्लीमेंट्स जो हैं वो मैं अपनी डाइटिशियन के प्रिस्क्राइब जो हैं वो लेती रही हूँ। तो ये सेंट्रम बहुत अच्छा रहा है, इसके अलावा प्रेग्नोवेट भी मैं लेती रही हूँ। सेंट्रम में 120 टैबलेट्स होती हैं, ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है बट ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है, मैंने इसको बहुत यूज़ किया है। और उसके अलावा CAC कैल्शियम है, वो भी आप दिन में एक दफ़ा ले सकते हैं। तो CAC कैल्शियम का भी एक ऑल्टरनेट वर्जन है बरोका के नाम से, वो मैं लेती रही हूँ। तो इस तरह से ये सप्लीमेंट्स भी आपको बहुत हेल्प कर रहे होते हैं। उसके बाद जो वेट लॉस का जो मुझे इंटरमिटेंट फास्टिंग से, या आप कह सकते हैं कोई भी डाइट प्लान आप यूज़ करें, बेसिकली वज़न कम करने के लिए कुछ भी आप तरीका इख्तियार करें, कोई भी आप डाइट प्लान फॉलो करें, आपको उसका एक सिर्फ नुकसान ये होता है कि आपके हेयर फॉल बहुत होता है, आपके बाल बहुत गिरते हैं। तो मेरे बाल काफ़ी लेंथी थे लेकिन वेट लॉस के बाद काफ़ी बाल गिरे, लेकिन उसमें ये था कि मैंने फिर आगे चलकर आप देखेंगे बायोटिन मैंने बहुत यूज़ की है। न्यूट्रीफैक्टर की बायोटिन इतनी अच्छी नहीं है, वो पाकिस्तानी और लोकल है, मुझे तो उसका कोई इतना बेनिफिट नहीं हुआ,
लेकिन फिर मैंने एक इम्पोर्टेड बायोटिन मैंने मंगवाई अमेज़ॉन से, तो उसके रिजल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त रहे। मेरा हेयर फॉल जो है वो एकदम रुक गया और मुझे जो है उसके बाद फिर मेरा हेयर फॉल नहीं हुआ। तो ये सप्लीमेंट्स जो है वैसे भी एज के साथ साथ व्हेन यू आर 30 प्लस तो आपको स्पेशली ये सप्लीमेंट्स जो हैं वो लेने ही होते हैं। तो ये आपकी बॉडी की सारी न्यूट्रिशन जो है ना वो हमारी फूड से पूरी तो नहीं हो रही होती, तो उसके लिए फिर हमें ये आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स जो हैं वो लेने पड़ते हैं। तो ये बायोटिन है, आप ये देख लें, ये मैंने अमेज़ॉन से अभी भी सेकेंड टाइम भी ऑर्डर किया है पूरे वेट लॉस के दौरान। तो ये कोकोनट ऑयल से बनी हुई है, देखने में ये एक ट्रांसलूसेंट से जेली जैसी बनी होती है, तो इसने मुझे बहुत हेल्प किया है मेरे हेयर फॉल में ना, तो अब मुझे बिल्कुल ये हेयर फॉल नहीं होता। तो बात हो रही थी वेट लॉस की, आपने वेट लॉस करना हो तो डाइटिशियन की ड्यूटी सिर्फ ये होती है कि उन्होंने आपको प्लान देना होता है, अच्छा प्लान देना होता है कि आपका वेट लॉस हो जाए। बाकी जो सारी गेम है ना वो आपने खुद खेलनी होती है। 80% आपका कमिटमेंट लेवल है और वो भी खुद के साथ। अगर आप कहीं बाहर गए हैं और आपने साथ पानी की बोतल नहीं रखी तो ये आपका अपना एक्सक्यूज़ है अपने साथ। किसी ने आपको नहीं कहना कि आप पानी की बोतल साथ क्यों नहीं लेकर आए, या आपने बाहर जाकर शादियों में कुछ खाना है या पार्टी में कुछ खाना है तो किसी ने आपको नहीं रोकना कि ना खाओ तुम्हारा वेट कम नहीं होगा। ये आपकी अपनी बॉडी के साथ आपकी अपनी कमिटमेंट होती है, जो कि एक्सक्यूज़ भी आपका अपने साथ होता है। तो काइंडली वो एक्सक्यूज़ अपने आप को देना बंद करेंगे ना तो फिर आपका वेट लॉस होगा। सो फाइनली मैं यही कहूँगी कि जब भी आप वेट लॉस का सोचें तो पहले खुद से हलफ लें, ये कुछ भी हो जाए हमने खुद के साथ सिंसियर रहना है, क्योंकि वेट लॉस सिर्फ अच्छा लगने या फिट लगने का नाम नहीं है। इनफैक्ट ये आपकी बॉडी में आपकी हेल्थ और आपकी आने वाली बहुत सारी बीमारियों को रूल आउट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी लाइफ से मेडिसिन को और टेंशन को बिल्कुल फ्री करने का नाम है। सो ये था सारा मेरा वेट लॉस का स्टाइल जो मेरा रहा और स्टिल मेरा अभी तक है। और इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो एक डाइट प्लान नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है, जो कि इंशाल्लाह ताला मैं तो अपनी नेक्स्ट जितनी भी लाइफ है उसमें मैं इसी को ही अडॉप्ट करने वाली हूँ। क्योंकि जब आप मेंटेनेंस पे होते हैं तो थोड़ा सा आपको खाने में रिलीफ मिल जाता है, अदरवाइज़ वेट लॉस पर हो तो थोड़ी सी चीज़ों से आप बाउंड हो जाते हैं, लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग बेसिकली एक लाइफस्टाइल है, तो ज़रूर अडॉप्ट करें। आई होप आपको आज का मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। तो मेरा चैनल आप बाप का सब्सक्राइब करना बनता है, इतनी अच्छी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है और बिल्कुल वो सारी इन्फॉर्मेशन है जिसको मैं खुद पर अप्लाई कर चुकी हूँ और अपने ऊपर अप्लाई करने के बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। सो टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड अल्लाह हाफिज़।